दोस्तों जब मैं अपने गांव से चलकर जयपुर आया ना, तो वहां पर मैंने कोर्स किया लैब टेक्नीशियन का। तो 3-4 साल हो गए। उसके बाद एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, बड़ी इंस्पिरेशनल मूवी थी चक दे इंडिया। उसका एक डायलॉग था, वो आपको बताता हूँ। जब शाहरुख खान कोच के रूप में इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम में शामिल होते हैं और वो इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो प्रीति सब्रवाल जो बड़े हाई फाई शो शाह करती हुई चंडीगढ़ से आती है, लेकिन वो लेट हो जाती है रिपोर्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तब का वो सीन है, तो वो बोलती है बट आई एम द कैप्टन ऑफ द स्टेट टीम। तो शाहरुख खान कहते हैं कि बट आई एम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम। मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। और इस टीम के लिए किसी लेट आने वाले की जगह नहीं है यहाँ पर। एवरीवन अंडरस्टैंड दैट। इस सीन ने मुझे बड़ा इंस्पिरेशन दिया है। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंस्पिरेशनल मूवीज जो बॉलीवुड में आई और उन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। आज बात करेंगे मेरी देखी हुई 5 इंस्पिरेशनल मूवीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 लगान। 2001 में आई थी ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान, जिसमें आमिर खान बड़े चॉकलेटी से पतले से गांव के युवा दिखाई दिए। ये क्रिकेट बेस्ड स्टोरी थी जिसमें अंग्रेजों द्वारा लगाया जाता है कर, जो लोगों को बड़ा ही परेशान कर देता है। आपको तो पता ही, अंग्रेजों ने कितना कहर डाया हमारे भारत पर। तो 15 साल पहले फिल्म आई थी आमिर खान की लगान, जिसमें उन्होंने मैच जितवाकर 3 साल का कर माफ करवा लिया था। और इसी से ये इंस्पायर करती है कि लोगों में अगर जुनून हो तो वो किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। और इस फिल्म की खास बात ये थी कि आमिर खान और किरण राव की लव स्टोरी भी इसी फिल्म से शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपनी शादी कर ली उसके साथ। वो बात अलग है कि हाल फिलहाल में उन्होंने वो दंगल वाली गर्ल है ना, सना शेख, उससे शादी कर ली है। अगर समय मिले तो एक बार देख लीजिएगा, जो क्रिकेट के दीवाने। नंबर 2 मुन्ना भाई MBBS। 2003 में ये फिल्म आई थी, संजय दत्त की बड़ी ऐतिहासिक फिल्म थी। इस फिल्म को भी करीब 19 साल हो चुके हैं, जिसमें संजय दत्त वैसे तो भाई होते हैं यानी गुंडे होते हैं, लेकिन वो अपने पापा को ये कहकर आते हैं गांव से कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, और एक नकली मतलब डॉक्टर का अस्पताल सा बनवा लेते हैं और वहां से धमाचौकड़ी करते रहते हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि इसमें संजय दत्त ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, लोगों को प्यार से मोहब्बत से ठीक होना सिखाया है, जो कि कुछ बीमारियों में तो ठीक रहता है। हाँ, माना कि पॉजिटिव चीजें अगर अपन करेंगे तो पॉजिटिव माइंड हो जाता है, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। ये बहुत हद तक सही भी है। जैसे आजकल डॉक्टर देखते हैं ना कि लताड़ देते हैं बात बात में, तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो बड़े प्यार से बात करते हैं, तो आधी बीमारी तो वैसे ही चली जाती है भैया। तो इसी को इंस्पिरेशन देने वाली ये मुन्ना भाई MBBS फिल्म मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो ये फिल्म उस वक्त मैंने देखी थी, तो बड़ा मजा आया था। संजय दत्त ने इसमें वाकई में अच्छा काम किया है, हालांकि वो कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं, और संजय दत्त पे संजू नाम की फिल्म भी बन चुकी है जो उनकी रियल लाइफ को हमें दिखाती है। खैर, ये बात तो बाद की बात है, लेकिन ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप अपने बोलने का लहजा, लोगों के साथ प्यार करने का, बात करने का तरीका सीख पाएंगे। जादू की झप्पी, इनका वो कमाल का जो डायलॉग और वो रिएक्शन और वो जो मोटिवेशन लोगों को देते हैं कि एक जादू की झप्पी प्यार से आप गले से लगा लेते हो ना किसी आदमी को, तो वो सारे अपने दुख दर्द भूल जाता है। आपसे अगर नफरत भी करता होगा ना, तो वो भी प्यार में बदल जाएगा। तो ये इंस्पिरेशन मिलती है हमें इस फिल्म से। नंबर 3 चक दे इंडिया। 2007 में ये फिल्म आई थी, और ये फिल्म आई तो इसने एक तहलका ही मचा दिया। भारत के स्पोर्ट्स में जो कमाल हुआ ना, वर्ल्ड कप जीतना, हॉकी में जीतना, ये बहुत ही कमाल का था। और उन सब खिलाड़ियों को भी ये फिल्म दिखाई जाती थी कि उनको एक मोटिवेशन मिले और वो जीत का जो जज्बा होता है ना, वो टीम में झोंक दे और जिता दे। और ऐसा हुआ भी। चक दे इंडिया फिल्म जब आई थी, तो मैं इसे सिनेमा में देखने गया अकेले। फिर मुझे इतनी पसंद आई कि जयपुर में मैं रहता था, तो जयपुर में जो लोग भी मुझसे, मेरे मित्र या रिश्तेदार दूर गांव से जब मिलने आते थे, तो मैं उनको कहता था चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो मैं चक दे इंडिया उनको दिखाने ले जाता। मुझे बड़ी कमाल की फिल्म लगी थी। कोमल चौटाला हो, प्रीति सब्रवाल हो, या वो सीनियर खिलाड़ी जो 3 की टोली में रहती हैं, आलिया बोस और वो जो भी हैं, नाम भूल गया मैं, आपको पता ही होगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये फिल्म बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। 11-12 लड़कियों को खोज कर लाते हैं कबीर खान नाम के व्यक्तित्व, जो शाहरुख खान ने निभाया था, और उनको वर्ल्ड कप जिताते हैं। ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी, वो आपको बड़ी पसंद आई होगी।
और इस फिल्म ने लड़कियों को सर उठाकर स्पोर्ट्स खेलने की जो हिम्मत दिया ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। आपको जो मेंटल फील मिलेगा ना मोटिवेशन का, वो इस फिल्म में ही मिलेगा। और लास्ट वो आपको डायलॉग तो याद ही होगा, 70 मिनट आपके पास। ये फाइनल मैच कैसे खेलना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप खेल कर बताएंगे पूरी दुनिया को और मिसाल कायम करेंगे। तो ऐसी थी ये फिल्म, आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4, दंगल। 2016 में ये फिल्म आई थी, करीब आज से 6 साल पहले। ये कहानी है महावीर फोगाट जो हरियाणा के रहने वाले थे और वो पूर्व नेशनल पहलवान थे। तो वो अपने एक बेटे की चाह रखते थे और बेटे की चाह में उन्हें 4 लड़कियां हो जाती है। लेकिन फिर उनको याद आता है कि यार ये लड़कियां भी तो कमाल कर सकती हैं। तो उस बात को लेकर इन्होंने अपनी बेटियों को तैयार किया और गीता फोगाट और बबीता फोगाट को इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग में पहचान दिलवाई। तो इससे पता चलता है कि लड़कियों को कमतर तो मानो ही मत, अगर पहलवान बनाना है तो लड़कियां भी मतलब आदमियों से ज्यादा वो पहलवानी करके दिखा सकती है जो गीता और बबीता फोगाट ने किया। कॉमनवेल्थ गेम में भी ये अपनी रेसलिंग की महारत दिखा चुकी है, मतलब ऐसी लड़कियां जो लड़कों को हरा देती थी। बड़ी कमाल की फिल्म आमिर खान भाई साहब ने बनाई, नितेश तिवारी ने इसका डायरेक्शन किया। तो दोस्तों ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, अपनी बेटियों को काबिल बनाने की बात है। बस आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, हो सकता है आपको पसंद आए, तो आप इसे जरूर लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जितना पसंद आप मेरी आवाज को करते हैं इस वीडियो को भी कर देना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।